आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हेड नेक कैंसर में क्या हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, होम्योपैथी या एलोपैथी ट्रीटमेंट। मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मेरे अपनी पढ़ाई MS जनरल सर्जरी सायन हॉस्पिटल मुंबई से की है और वो कंप्लीट होने के बाद MCH इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी GCR अहमदाबाद BJ हॉस्पिटल सिविल से किया है। जो ओरल कैंसर है ये मोस्ट कॉमन कैंसर है। एटलीस्ट 60-70% लोगों में ओरल कैंसर दिखता है और ये होने के काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें तंबाकू सेवन जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। ठीक है, जब ये पेशेंट आता है बेसिकली इसमें एलोपैथी में हम इनिशियली इसका बायोप्सी करते हैं, यानी छोटा सा टुकड़ा निकाल के जाँच करने के लिए भेजा जाता है और एक बार प्रूव होने के बाद फिर स्टेजिंग के लिए CT स्कैन और जब जरूरत पड़ता है तो PET CT स्कैन करते हैं और जिस तरह का स्टेज रहता है उसके हिसाब से ऑपरेशन डिसाइड होता है। बेसिकली जब पेशेंट क्यूरेबल रहा तो उसे सर्जरी यानी ऑपरेशन करके वो गांठ निकाल दिया जाता है। लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर हमें सर्जरी से काफ़ी डर लगेगा, क्या हम होम्योपैथी कर सकते हैं या एलोपैथी कर सकते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जब पेशेंट कैंसर और ये ओरल कैंसर पूरा सर्जरी से अच्छा हो सकता है तो सर्जरी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, ताकि हम जब ये पूरा पोर्शन उधर का जो तकलीफ है निकाल दे तो पेशेंट को एटलीस्ट क्योर प्रोवाइड कर सकते हैं और आगे का जो ट्रीटमेंट है कीमो या रेडिएशन जैसा उनका रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो अर्ली स्टेज में हमें मिले हैं ओरल कैंसर के साथ, जीभ पे या मुंह में छाला था, लेकिन वो सर्जरी के कारण इतना डर गए कि वो ऑपरेशन के लिए आए नहीं। फिर उन्होंने अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक या कीमोथेरेपी लेना चालू किया तो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ केसेस में हमने ऐसा देखा कि उनका जो कैंसर था बढ़ता चला गया। जैसे जो इनिशियली कैंसर था गाल के अंदर था तो उन्होंने कुछ लोकल एप्लीकेशंस या पत्ते वगैरह लगाए गाल पे जिसके कारण वो कैंसर फट के बाहर तक आ गए। तो हम जिसे बोलेंगे कैंसर के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। जो कैंसर पहले स्टेज में या दूसरे स्टेज में था जब ये पेशेंट हमारे पास पहुँचे वो चौथे स्टेज में पहुँचे। कुछ पेशेंट्स इतने लेट पहुँचे कि तभी हम उन्हें ऑपरेशन ये जो ऑप्शन था हमारे पास वो नहीं दे पाए। तो मेरा ये मानना है कि जब पेशेंट ओरल कैंसर के होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑपरेशन से पूरा अच्छा हो सकता है तो ऑपरेशन ही एक माध्यम है जो पेशेंट ने यूज़ करना चाहिए सो दैट वो कंप्लीट क्योर पा सकते हैं और ये जो भी जानलेवा बीमारी है कैंसर ये उनके शरीर से कम्प्लीटली निकल जा सकता है और उसका रिपोर्ट आने के बाद आगे कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो भी ज़रूरी हो वो ले सकते हैं। आप जब अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट जैसे कि होम्योपैथी या आयुर्वेदिक ऐसा ये चूज़ करते हो तो इसमें कुछ पेशेंट्स में क्या फ़ायदा नहीं पाया गया है और जो अर्ली कैंसर था वो लेट में प्रोग्रेस हो गया है। तो लेट जब हो जाता है कैंसर क्या सब स्टेज पे डिपेंड है पेशेंट का सर्वाइवल प्रोग्नोसिस। फर्स्ट स्टेज है तो पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस सर्वाइवल है काफ़ी अच्छा होता है। फोर्थ स्टेज में जब पेशेंट आता है उनका ओवरऑल सर्वाइवल प्रोग्नोसिस खराब होता है क्योंकि वो पेशेंट फिर पैलेटिव पेशेंट हो जाता है जिसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते, कीमोथेरेपी या रेडिएशन के माध्यम से उनके बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल के लिए पेन किलर्स और डिफरेंट चीज़ें यूज़ किया जाता है। तो मेरा ये मानना है ये वीडियो के माध्यम से मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि ओरल कैंसर के जो भी मरीज है अपने प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करिए, उन्होंने जैसा डायग्नोसिस बताया और जब ऑपरेशन का एक ऑप्शन दिया है और ऑपरेशन से बीमारी पूरी तरह से निकल सकता है तो आप डेफिनेटली वही पाथ चूज़ करिए। फिर भी आपको कोई डाउट होगा, कोई क्वेरीज होंगी तो ये हमारा जो नीचे दिया गया बॉक्स है इसमें आप अपने क्वेरीज सेंड कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा एक सोसाइटी है स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मैं उसमें हेड नेक कैंसर के सभी मरीजों का ऑपरेशन करता हूँ। एंड यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और माई टीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आइदर थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फोन और थ्रू ईमेल आईडी। थैंक यू।